इससे पहले क्रियाकलाप नंबर एक का प्रैक्टिकल हो चुका है। आज आप क्या प्रैक्टिकल देख रहे हैं? क्रियाकलाप दो। क्रियाकलाप दो का जो उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, हाँ बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ले, इसमें धीरे धीरे जल मिले। जल को कैसे मिलाना है? बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे जल को मिलाना है। कैसे? धीरे धीरे जल मिलाए। अब बीकर को बाहर से स्पर्श, अब बीकर को हम क्या करेंगे? बाहर से चूकर देखेंगे, बाहर से चूकर देखेंगे। होगा क्या? प्रेक्षण में होगा क्या कि बीकर के तापमान में वृद्धि हो गई। हम क्या देखेंगे कि बीकर के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अतः इस प्रयोग से ज्ञात होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण तापमान में वृद्धि हुई। इसमें होने वाली अभिक्रिया क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? COOH का होल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का जल से क्रिया एक प्रकार की कौन सी क्रिया? रासायनिक क्रिया। क्या है? रासायनिक क्रिया। पढ़े रासायनिक क्रिया में हम ये देखने वाले हैं उसमें से ऊष्मा मुक्त होती ही कि नहीं। रासायनिक क्रिया में क्या देखने वाले? ऊष्मा ठीक है, ऊष्मा मुक्त होती है कि नहीं। रासायनिक क्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है कि नहीं होती है, यह जानने के लिए हमने क्या किया? एक बीकर लिया और शुष्क बिना बुझा हुआ क्या लिया हमने? शुष्क बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्या करेंगे? बीकर में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? बीकर में डाल देंगे और इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। क्या करेंगे? इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या कहते हैं इसको? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक बीकर डाल देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? धीरे धीरे जल मिलाएंगे, बहुत धीरे धीरे। समय के लिए हमेशा इसे छोड़ देते हैं, ठीक है? देखिए, जार चिटी चल रहा है, जार पड़ गई। अब आप देखें यहाँ कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे हो रही है? जल से हो रही है। किससे हो रही है बेटा? जल से। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से हो रही है और आप देख रहे हैं कि इससे क्या निकल रही है? एक प्रकार की ऊष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। तो इससे एक क्वेश्चन आपका और तैयार हुआ कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे प्यारे बच्चों? और यह एक प्रकार की ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया भी है। क्या है? ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। अपना जो उद्देश्य मेन उद्देश्य ये था कि हम ये देखने वाले हैं कि जब कभी भी रासायनिक क्रिया होती है तो ऊष्मा मुक्त होती है कि नहीं होती है। तो अगर अब बीकर को हम छूकर देखें, इसको बीकर को अगर छूकर देखें तो बीकर क्या है? गर्म है। छूकर देखिए आप, क्या छूकर देखिए? गर्म है। छूकर देखो बेटा, गर्म है बीकर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या निष्कर्ष निकला मेरे प्यारे बच्चों? रासायनिक क्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है। समझ गए हैं ना? बात समझ में आ गई है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी आपने देख लिया और रासायनिक अभिक्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है।
चुकी है, यह क्रिया भी आपने देख ली। ये क्रिया हुई कैसे, इसे हम देखते हैं। हमने लिया क्या था, हमने क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया हमने किससे कराई थी, इससे कराया H2O, H2O से क्रिया कराई। क्या प्राप्त हुआ आपको, क्या प्राप्त हुआ, CaOH का होल्ड ट्राई, मतलब बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त हुआ आपको, बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त हुआ आपको, बुझा हुआ चूना। और क्या मिला देखने को, उष्मा। क्या देखने को मिली, उष्मा। उष्मा, यह थी आपकी एक राशन।